महाराष्ट्र में सरकार को लेकर एनसीपी कोर कमेटी की हुई बैठक। बैठक के बाद एनसीपी नेता अजीत पवार का बयान। तो बैठक में सरकार बनाने पर चर्चा हुई। अजीत पवार की तरफ से बैठक के बाद ये जानकारी दी गई है कि कांग्रेस नेताओं से बातचीत करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर पहले से कांग्रेस से बात करेंगे, कांग्रेस से बात करने के बाद ही शिवसेना से बात की जाएगी। तो शरद पवार की अगुवाई में यशवंत राव चौहान सेंटर में बैठक हुई और बैठक में सभी 54 विधायक जो हैं वो मौजूद रहे। और इस बैठक के जरिए अब एनसीपी ने जो कमेटी है वो बनाई है और सरकार गठन पर चर्चा जो है वो की है। तो एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हम आगे की रणनीति पर बात करेंगे। शरद पवार समेत कुछ अन्य नेता अब संसद के सत्र के लिए दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस के बीच तो बहुत जल्द डिसीजन हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिनके साथ बात करनी है, समझो शिवसेना के साथ, तो शिवसेना भी हमारे साथ क्या बात करनी है उसके बारे में डिसीजन लेगी और हम कांग्रेस हम मिलके उनके साथ बात करेंगे।